अंबुजा कंपनी हमीरपुर वन क्षेत्र से चीड़ की पत्तियां खरीदेगी। वन विभाग ने कंपनी के साथ बैठक कर इस पर सहमति जताई है। आगामी माह में वनों से गिरने वाली चीड़ की पत्तियों की नीलामी शुरू हो जाएगी। पिछले 2 साल से पत्तियां खरीदने में किसी कंपनी ने दिलचस्पी नहीं जताई थी। अंबुजा कंपनी के हामी भरने के बाद वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है। अब वन क्षेत्र से पत्तियां एकत्रित कर कंपनी ले जाएगी। पत्तियों की एवज में रुपयों की अदायगी की जाएगी। वन विभाग अब इसे लेकर जल्द मीटिंग करने जा रहा है। इसमें पत्तियों का रेट तय कर दिया जाएगा। वन क्षेत्र को गर्मियों में आगजनी से बचाने के लिए निर्णय लिया गया है। अगर सूखी पत्तियां नहीं होंगी तो आगजनी से नुकसान की संभावना भी कम हो जाएगी। जाहिर है कि बीते 2 साल पहले ही एक कंपनी ने हमीरपुर में चीड़ की पत्तियां खरीदी थी। वन क्षेत्र में पत्तियां एकत्रित करने का कार्य लोगों को सौंपा गया है। इसके लिए बकायदा उन्हें मेहनताना दिया जा रहा था। वन क्षेत्र से सूखी पत्तियां हट जाने से आगजनी की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। इसके 2 साल तक किसी कंपनी ने चीड़ की पत्तियां उठाने के लिए हामी नहीं भरी। इन 2 सालों में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। वनों में चीड़ की सूखी पत्तियां होने से आग ने भयंकर रूप दिखाया। वनों में लाखों रूपए की संपदा राख हो गयी। हमीरपुर में ही सैकड़ों मामले वन क्षेत्र में आगजनी के सामने आए। जंगलों को आग से बचाने के लिए अब वन विभाग ने अंबुजा कंपनी से करार किया है। कंपनी ने भी विभाग की इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। अब फाइनल मीटिंग होना बाकी है। अभी तक हमीरपुर में जो फायर के इंसिडेंसेस हुए हैं तो कोई मेजर इंसिडेंट अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। माइनर जैसे थे, जैसे ही कहीं पे भी फायर रिपोर्ट हुई है तो उसको कंट्रोल कर लिया गया है। आदेश दे दिए गए हैं कि किसी को भी बिना किसी बहुत ही जरूरी हो तभी छुट्टी जो है मिलेगी। सभी की छुट्टियां जो है वो निरस्त करी गई हैं। किसी को भी बिना परमिशन के हेडक्वार्टर जो है वो छोड़ने की मनाही है। और साथ ही साथ डिवीजन लेवल पे भी हमने अपनी एक कमेटी जो है वो संगठित की हुई है कि जो पूरी तरह से पूरी डिवीजन की फायर इंसिडेंसेस को मॉनिटर कर रही है। उसी प्रकार से हमारी रेंज लेवल पे भी हमने कमेटियां जो है वो गठित की गई हैं। इसके साथ साथ हमने फायर डिपार्टमेंट से भी सहयोग की अपील की है। अपने जितने भी हमारे ग्राम पंचायतें हैं उनसे भी हमने अपील की है कि जब भी कहीं पे भी फायर इंसिडेंट्स हो तो वो बढ़ चढ़कर आके डिपार्टमेंट का जो है वो सहयोग करें। तो इस तरह से हमारी जो तैयारी जो है चली हुई है। सभी पंचायतों को हमारे जो स्टाफ के नंबर हैं और साथ साथ में ऑफिस के नंबर हैं, हमारे अपने मोबाइल नंबर है, वो सभी हमने सर्कुलेट किए गए हैं। और इसके साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना लॉन्च भी किया है, जहां पे कोई भी अपना फायर का वो बता सकते हैं इंसिडेंट्स। और अपनी तरफ से हमने विभाग के सभी कर्मचारियों के नंबर जो है वो डिस्प्ले करके रखे हुए हैं। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के साथ हमारी मीटिंग हुई और इस पर हमने ये निर्णय लिया गया है कि जैसे पहले भी वो क्या करते थे कि हमीरपुर में जो पाइन नीडल्स होते हैं उसका कलेक्शन करते थे, फिर जिसको वो एज ए फ्यूल अपनी इंडस्ट्री में यूज करते थे। तो पिछले 2 साल से वो इस एक्टिविटी को यहाँ पे नहीं कर रहे थे, उनके अपने कुछ रीजंस थे। पर इस साल दोबारा से उनके साथ हमने संपर्क किया है और वो यहाँ पे पाइन नीडल को कलेक्शन के लिए एग्री हुए हैं और संभवतः आज से उनकी जो मशीनें जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी हमीरपुर में और ये जो कार्य है पाइन नीडल कलेक्शन का उसको हम सुचारू रूप से शुरू कर देंगे। हमने तय किया है कि लगभग 50 गांव जो हमारे सेंसिटिव हाईली सेंसिटिव एरियाज में आते हैं, जहां पे बहुत ही ज्यादा पाइन नीडल जो हैं वो रहते हैं, तो उन एरियाज को हम पहले फेज में लेंगे। और इसका इस तरह से रहेगा कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हों पाइन नीडल कलेक्शन के लिए वो आगे आ सकते हैं। और इसका जो रेट रहेगा वो इस हिसाब से होगा कि अगर कोई 1 किलो पाइन नीडल कलेक्शन करके देता है तो उसके 1.70 रुपए दाम के रूप में मिलेंगे। और उसी हिसाब से एक दिन में कोई भी जितना भी पाइन नीडल कलेक्शन करके दे सकता है, उसका वेट करके जितना उसका अमाउंट बनेगा वो उसको पे किया जाएगा। तो अंबुजा कंपनी जो है ये पेमेंट वही करेंगे। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले कंपनी ने 2 रुपए किलो के हिसाब से चिलारू खरीदा था। वहीं वनों में सूखा चिलारू उठ जाने से अग्निशमन विभाग को भी राहत मिलेगी। अक्सर सूखा चिलारू होने के कारण ही आग भयंकर रूप धारण करती है। इस कारण पेड़ पौधे भी चपेट में आकर राख हो जाते हैं। कंपनी द्वारा चिलारू खरीदे जाने से आगजनी की घटनाओं की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी।